everyone, good evening. मैं हूं मनीष और मैं हूं आराधना and welcome to Planet Bollywood जहां आपको मिलेगा Bollywood news, juicy gossip और latest updates. आज की top story on the charts, big story में सलमान खान क्यों नहीं दे रहे हैं संजय दत्त को party? अरबाज खान है मलाइका के लिए possessive. कटरीना को कितनी बार घर से निकाला रणबीर ने? खान पर बोलने से क्यों बच रही है सोनम कपूर? मगर इसके पहले आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस, द टॉप स्टोरी, ऋतिक का दिखा असली चेहरा. कैसे ऋतिक हो गए एक सवाल पर पूरे हिपोक्रेट और सच्चाई सुनने के बाद उन्हें आ गया पसीना. टेक अ लुक. बेहुदा सवाल है ये आपका. ऋतिक क्या कहा आपने, जरा ऑडियंसेस को एक बार फिर से बताइए. बेहुदा सवाल है ये आपका. सुना आपने, एक सवाल ऋतिक को इतना चुभ गया कि उन्होंने सवाल को बेहुदा बता दिया. बेहुदा सवाल है ये आपका. लेकिन ये सवाल था क्या, पहले आप लोग खुद सुनिए और फिर बताइए क्या ये बेहुदा सवाल था. ऋतिक, यू नो रिसेंटली आपका जो पोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका. सुना आपने, हमने ऋतिक से उनके ही इस ट्वीट और कंगना के इस हंसी वाले रिएक्शन पर सवाल पूछा था. हमने ना तो किसी रूमर न्यूज की बात की थी और ना ही किसी अपने सोर्स का हवाला देकर ऋतिक से सवाल पूछा था. फैक्ट और विजुअल पर बेस्ड ये सवाल ऋतिक को इतना नागवार गुजरा कि वो इस कदर भड़क गए. ऋतिक, यू नो रिसेंटली आपका जो पोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका. अब ऋतिक, आप पूरी दुनिया के सामने इस तरह के ट्वीट तो कर सकते हैं, आपकी एक्स कंगना इस पर खिलखिलाकर हंस भी सकती हैं, लेकिन हम सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने अलेजेड अफेयर को लेकर टची हैं. ऋतिक, यू नो रिसेंटली आपका जो पोप वाला ट्वीट था उस पर कंगना ने रिएक्ट किया है एंड वो हंसते हुए रिएक्ट किया उन्होंने, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बेहुदा सवाल है ये आपका. ऋतिक, आप एक पब्लिक फिगर हैं, वो भी बॉलीवुड से, ऐसे में आपकी पर्सनल लाइफ की बात तो होगी ही, और वो भी तब जब आप खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर यूं अपने अफेयर्स की चर्चा करेंगे और साथ ही आपकी एक्स खुलेआम स्टेटमेंट देंगी कि एक्सेस सिली चीजें करने से बाज नहीं आते. अब आप खुल्लम खुल्ला अपने अफेयर पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी अफेयर पर हम सवाल पूछ लें तो आपको सवाल बेहुदा लग जाता है. बेहुदा सवाल है ये आपका. बेहुदा सवाल है ये आपका. ऋतिक, आप अकेले ऐसे बॉलीवुड स्टार नहीं जिनके अफेयर को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है. हर बॉलीवुड स्टार को लेकर ऐसी बातें होती रहती हैं. लेकिन आप जिस तरह से इस सवाल को लेकर टची हो गए, ये काफी सरप्राइजिंग था. बेहुदा सवाल है ये आपका. बेहुदा सवाल है ये आपका. ऋतिक, हम आप ही के फैंस और ऑडियंसेस की क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए ऐसे सवाल करते हैं. ऐसे में अगर आपको ये सवाल बुरा लगता है तो हम ये बात आपके फैंस तक भी पहुंचा देते हैं कि आपको इस तरह के रियल फैक्चुअल सवाल बिल्कुल पसंद नहीं. फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम मुंबई. मनीष, yes. You know what? What? संजय दत्त ना अभी तक जेल से निकलने के बाद घर पर बैठे. हाँ, nice. और उनसे मिलने बड़े बड़े स्टार्स, डायरेक्टर सब आ गए, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन उनका एक दोस्त, उनका बहुत प्यारा दोस्त, उनसे मिलने अभी तक नहीं आया. लेकिन कौन? अरे वही जो उनको पनवेल में पार्टी देने वाला था, लेकिन नहीं दी. सलमान खान. Exactly. लेकिन क्यों नहीं दी पार्टी? Good question. That's my story. Watch. संजय दत्त के जेल से आने के एक दिन पहले ही हर जगह खबर फैल गई थी कि सलमान खान संजय दत्त के लिए थ्रो करेंगे लैविश पार्टी. इस पार्टी की वेन्यू सलमान खान के फार्म हाउस को बताया जा रहा था, लेकिन संजू बाबा को जेल से आए 6 दिन हो चुके हैं पर अब तक नहीं हुई है सलमान खान की ये पार्टी. रूमर तो हर जगह यहाँ तक फैल गई है कि संजू बाबा अपने अच्छे दोस्त सलमान खान से हैं अपसेट.
यही वजह है मीडिया में भी वो इस पार्टी को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मैं पनवेल नहीं जाने वाला हूँ, मुझे बुलाया नहीं है। पर अब जूम ने आखिरकार इस पार्टी के ना होने की वजह का पता लगा लिया है। जूम को खबर मिल चुकी है आखिर क्यों सलमान खान ने नहीं पूरा किया अपना कमिटमेंट। दरअसल सलमान खान संजू बाबा के साथ एक बड़ी पार्टी करने वाले तो हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद। सलमान खान इस वक्त अपनी फिल्म सुल्तान की शूटिंग में बिजी हैं और इस फिल्म के लिए सलमान खान ने स्पेशल डिटॉक्स रूटीन को फॉलो किया है। ऐसे में अगर संजू बाबा के साथ वो पार्टी करते तो उन्हें अपने इस रूटीन को तोड़ना पड़ता और यही वजह है कि संजू बाबा के साथ मिलकर सलमान खान ने बनाया है स्पेशल प्लान। इस प्लान के तहत संजू और सलमान पार्टी तो करेंगे लेकिन कुछ वक्त बाद। ऐसे में बॉलीवुड की एक शानदार पार्टी जरूर होगी और वहां मचाएंगे दो सबसे अच्छे दोस्त धमाल। पर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान पर जितनी न्यूज इन दिनों बन रही है वो देखकर ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा न्यूज़पेपर उनके लिए छप सकता है। पर अब क्या हुआ इन दोनों के बीच? प्लीज मनीष, डोंट गिव मी एनी बैड न्यूज़, आई कांट टेक इट। नो, इट्स नॉट बैड न्यूज़। यही तो एक्सक्लूसिवली ऑन जूम अरबाज खान का कन्फेशन। किस चीज का कन्फेशन? अरे कि मलाइका के लिए वो पागल है, उनके लिए दीवाने है और उन्हें खोने का डर उनको रात भर सताता है। ओह, मतलब स्टोरी में ट्विस्ट। ओह, ट्विस्ट। डिवोर्स की बात पर फर्स्ट ऑन जूम बोले अरबाज। ऐसा कुछ नहीं है, आज ऐसा हो गया है कि लोगों को जो है ना कि I wouldn't say tolerance levels, but कोशिश कम करते हैं लोग, I feel. First on Zoom, separation की वजह पर बोले अरबाज खान। आज ऐसा हो गया है कि लोगों को जो है ना कि I wouldn't say tolerance levels, but कोशिश कम करते हैं लोग, I feel. अरबाज खान ने फर्स्ट ऑन जूम बताया कि आखिर क्यों बिखर जाते हैं रिश्ते और क्यों उनके दोस्तों के बीच हो रहे हैं डिवोर्स। आज ऐसा हो गया है कि लोगों को जो है ना कि आई वुडन्ट से टॉलरेंस लेवल्स बट कोशिश कम करते हैं लोग, आई फील। पिछले कुछ दिनों से मलाइका और अरबाज के बीच प्रॉब्लम्स की खबरें आ रही थीं। ऐसे में जूम पर एक्सक्लूसिवली अरबाज ने बताया कि वो मलाइका को खोने से कितना डरते हैं और उनके लिए कितने पोजेसिव हैं। पोजेसिवनेस नहीं है मलाइका को लेकर? बिल्कुल है, और अभी कुछ हद तक अजीब है कि जब मिले थे और शुरू किया था रिलेशनशिप, प्रॉब्ली व्हेन She was much younger, I was more new in the relationship. तब नहीं था। आज भी अरबाज मलाइका से बे इंतहा मोहब्बत करते हैं। वो मलाइका ही हैं जो अरबाज के लिए सबसे अजीज हैं। She is very precious and dear to me. I love her more than anything in the world. आपको अंदाजा ही नहीं है उसको खो के आपके साथ क्या होगा। अरबाज की इन बातों से तो यही लगता है कि वो मलाइका और अपने रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। एक बात तो मनीष भी मानता है, मैं भी मानती हूँ, एंड आई एम वेरी श्योर आप भी मानते होंगे कि शौक बड़ी चीज है। मतलब हर इंसान का कोई ना कोई शौक जरूर होता है, राइट? आराधना, कैन यू प्लीज कट इट एंड कम टू योर शॉकिंग स्टोरी प्लीज। अरे कल क्या हुआ, विद्या बालन से हमने एक रूमर के बारे में पूछ लिया तो उनको ऐसा शौक लगा कि आई एम श्योर वो अभी तक शौक में होंगी। ओके, कैन वी जस्ट वॉच दिस शॉकिंग स्टोरी नाउ? लेट्स डू इट। क्या क्या? विद्या बालन हुई शॉक्ड। एक सवाल ने किया विद्या को हैरान। ऐसा सवाल जिसका नहीं था विद्या के पास कोई जवाब। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में काफी देर तक सोचती रही विद्या। यहाँ तक कि आगे बढ़ने के बाद भी विद्या इस सवाल के बारे में ही करती रही बात। तो आज जूम बताएगा आपको विद्या और इस सवाल की पूरी हकीकत।
जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफी वक्त से विद्या बालन और उनके हबी सिद्धार्थ रॉय कपूर के बीच सब ठीक न होने की खबरों ने बनाई हुई थी सुर्खियाँ, और आपके चैनल जूम ने जब विद्या से एक्सक्लूसिवली इस इशू पर जानना चाहा उनका पक्ष, तो देखिए क्या रिएक्शन था उनका। अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, कई रूमर्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर कि नो आई एम श्योर वी विल लेट इट ओके व्हाट वेल विद्या यहां अपनी मैरिड लाइफ में ट्रबल पर भले ही कुछ ना बोलें, लेकिन कुछ दिनों पहले ही विद्या ने बी टाउन की कई कपल्स के बीच हो रहे ब्रेकअप पर दिया था अपना रिएक्शन। 2016 has not been a good year for Bollywood when we consider, you know, breakups and divorces. So what do you have to say about that? You know, does that scare you from relationships? No, not at all. Not at all. I think it takes as much courage to decide not to be together as it does to be together. So, you know, everyone should choose their peace and happiness, and God bless them. That's all, yeah. Relationships, you can't predict. You can't say 2016 is a bad year. I think everything happens for the best, and God bless everyone who's going through painful times. Well, Vidya, hope aapki marriage life mein ab sab kuch theek ho. For Jyoti Kumari Singh, Zoom, Mumbai. मनीष, अब ये न्यूज तो ओपन है ही कि अब रणबीर और कटरीना साथ नहीं है, लिव इन से आउट हो गए हैं। हाँ, ये तो सबको पता है that they both broke up and they're not together anymore. हाँ हाँ, मगर when they were living in together, तब रणबीर कपूर ने कई बार कटरीना को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या बात कर रही हो? That's true. Is that real? That is real. Zoom के sources ने अंदर की खबर निकाली है. Have a look. Shocking. रणबीर के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहती थी कटरीना। रणबीर और अपने रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी कटरीना। जूम को अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि रणबीर और कटरीना का रिश्ता बहुत पहले ही बिखर जाता अगर कटरीना सब कुछ सहकर अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश ना करती। सोर्सेस का कहना है कि एक बार नहीं बल्कि तीन बार रणबीर ने कटरीना को घर से जाने को कहा था। ये वही घर था जहां रणबीर और कटरीना लिव इन में साथ रहते थे, लेकिन अचानक इनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई कि रणबीर कटरीना को बार बार घर से जाने को कहने लगे। पर इन सब की बात भी कटरीना चुप रही, रणबीर की ना चाहते हुए भी उनके साथ रही ताकि वो अपने रिश्ते को टूटने से बचा सके। सोर्सेस का कहना है कि रणबीर के गुस्से पर भी कटरीना खामोश रहती थी, जिसकी वजह बस यही थी कि उनका बिखरा रिश्ता संभल सके। आज कटरीना उसी घर में अकेले रहती हैं, जो कभी रणबीर और उनका लव नेस्ट हुआ करता था, जबकि रणबीर उस घर को छोड़कर जा चुके हैं। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। ये तुम कर क्या रहे हो? What are you doing? आराधना, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि प्रीति सिंता की शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ, शादी हो गई है, मगर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि जूम ने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले, मगर अब सच सामने आ गया है। मानती हो ना? मान गए मनीष, वाह मान गए। जूम की नजर और मनीष सुपर सुपर सुपर, सुपर, सुपर मनीष। प्रीति जिंटा की हो गई है शादी। प्रीति ने अमेरिका में ले लिए अपने बॉयफ्रेंड रिने गुडनफ के साथ साथ फेरे, और इसी के साथ जूम की खबर पर लग गई है मोहर। 6 फरवरी को जूम ने सबसे पहले ब्रेक की थी प्रीति जिंटा की शादी की खबर। जूम ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थी ये खबर कि प्रीति अपने यूएस बेस्ड बॉयफ्रेंड से करने जा रही है शादी।
जूम ने सबसे पहले दी थी आपको ये इन्फॉर्मेशन कि प्रीति सात समंदर पार यानी यूएस में करने जा रही हैं शादी। हर चैनल और हर न्यूज़पेपर ने चलाई थी जूम की ब्रेक की हुई इस न्यूज को। हमारी इस खबर का ये असर हुआ कि प्रीति जो पहले वैलेंटाइंस डे पर करने वाली थी शादी, उन्होंने कर दी थी इसे पोस्टपोन। यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया हैंडल पर हमारी खबर को डिनाई करने के लिए एक ट्वीट तक किया। इस खबर पर हमने प्रीति को हर जगह किया फॉलो। यहाँ तक कि महबूब स्टूडियो में जूम के डर की वजह से प्रीति ने मीडिया से इंटरेक्ट करने से कर दिया मना और बढ़ा दी गई उनकी सिक्योरिटी। हमने फिर से ब्रेक की ये खबर कि 14 से पोस्टपोन होकर अब प्रीति की मैरिज डेट हो गई है 29 फरवरी। प्रीति के शादी की तैयारियों की हर एक खबर से हमने किया आपको अपडेट। हमने आपको प्रीति की शादी के मंडप की तस्वीरें तक मुहैया करवा दी और अब आपके चैनल की खबर की सच्चाई आ गई है आपके सामने। मनीष, आगे मैं तुम्हें एक शौक के बारे में बताऊंगी। एक मिनट, तुम शौक के बारे में बात कर रही हो या शौक के बारे में? शौक मनीष, शौक, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? शौक नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शौक। Anyway, मैं बताऊंगा कि सोनम क्यों डरती है खान से और मैं दूंगी शौक। शौक, आई थिंक गाइस आराधना नीड्स अ ब्रेक, तो फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ऑन द अदर साइड आई विल टेल यू माय न्यूज एंड वी विल बी शॉक्ड विद हर। हेलो एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आराधना आपको शॉक देगी और मैं बताता हूँ आपको सोनम कपूर की न्यूज। क्यों सोनम को खान से डर लगता है, क्यों सोनम की बोलती हो गई है? हो गई क्या है? बताओ ना, तुम्हारे पास स्टोरी है, दिखाओ। अरे आराधना, व्हाट इज द स्टोरी? मनीष, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मनीष, यू शो द स्टोरी टू यू। हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था सोनम कपूर की मनीष स्टोरी, डायरेक्टली स्टोरी। आमिर, सलमान, शाहरुख के सवाल पर बचती दिखी सोनम। बॉलीवुड के शान कहे जाने वाले खान्स के सवाल पर डरी सोनम। आखिर क्यों डर गई सोनम? अब आप सोच रहे होंगे हर इशू पर बेधड़क अपने ओपिनियन रखने वाली सोनम को आखिर क्यों लगा डर? तो आज जूम आपको बताएगा सोनम के डर की पूरी कहानी। दरअसल बी टाउन की क्वीन कंगना रनौत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने दम पर फिल्में हिट करवाने का मद्दा रखती हैं और उन्हें हिट फिल्मों की गारंटी यानी बॉलीवुड के शान तीन खान्स आमिर, शाहरुख और सलमान की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है कि सोनम की नीरजा बिना किसी बड़े मेल स्टार के देश विदेश में वाह वाही बटोर रही है। नीरजा ने न सिर्फ क्रिटिक्स का दिल जीता है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी की है शानदार कमाई। और जब सोनम से ये पूछा गया कि नीरजा के हिट होने के बाद क्या वो भी कंगना के खान्स पर दिए गए स्टेटमेंट से रखती है इत्तेफाक, तो देखिए क्या था उनका रिएक्शन। हमेशा माना जाता है कि अगर खान्स की फिल्म आए तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल हो जाती है, ये सभी मानते हैं। हाल ही में कंगना ने कहा कि उन्हें खान्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये मानती हैं कि आप अकेले अपने दम पर फिल्म को हिट करवा सकती हैं जिस तरह से नीरजा बहुत सारे एक्टर्स मतलब देखा आपने हर इशू पर बेखौफ होकर बेधड़क अपनी ओपिनियन रखने वाली सोनम कैसे यहाँ माइक ना मिल पाने का बहाना करते हुए खान से रिलेटेड सवाल का जवाब देने से बचती दिखी। वेल, लगता है कि सोनम खान्स पर अपना ओपिनियन देकर किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। आफ्टर ऑल बॉलीवुड के शान खान से कौन ले पंगा। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। आराधना, इस वीक 11 मेरा सुपरस्टार में है अरबाज खान और मलाइका अरोरा खान, और इन्होंने अपनी लव लाइफ के कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए हैं कि सब हैरान हैं। और इस एपिसोड को मिल रहा है ऑडियंसेस का जबरदस्त रिस्पॉन्स। हैव अ लुक। यार मेरा
तेरा सुपरस्टार में इस वीक अरबाज और मलाइका की लव लाइफ का हो रहा है खुलासा। वी मेट ऑन अ शूट एंड एक दूसरे को हमने थोड़े दिन बातचीत की, डेटिंग शुरू की और बहुत जल्द पता चल गया कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। कमिटमेंट भी बहुत जल्दी हो गया था, मतलब मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 4 to 6 months में हमने एक दूसरे को कमिट किया कि भैया वी शुड बी वर्क आवर रिलेशनशिप एंड बी टुगेदर। जहां हर कोई इनके ब्रेकअप की बात कर रहा है, वहां अरबाज खोल रहे हैं अपने रिलेशन सीक्रेट। इट्स सैड बिकॉज़ नोबडी वांट्स टू सी योर लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, कोई भी हो, क्योंकि बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दो लोगों का सेपरेट होना मतलब फैमिलीज का सेपरेट होना, बच्चों को का सेपरेट होना, जिंदगी बिखर जाती है। और इस कैंडिड कॉन्वर्सेशन को मिल रहे हैं आपके लाइक्स। Enjoying to watch the pool game moment between Arbaaz Khan and Malaika Arora Khan on Yaar Mera Superstar. Garima Kumar, you rocked it. It was fun watching Yaar Mera Superstar. I loved the episode. Garima Kumar, I just loved today's Yaar Mera Superstar with Arbaaz Khan and Malaika Arora Khan. Enjoyed every bit of it. Loved what all Arbaaz and Malaika said about each other. Hashtag Yaar Mera Superstar. साथ ही एक टैबलॉइड ने हमारे इस इंटरव्यू पर बनाई खबर और दी अपने पेज पर एक बड़ी हेडलाइन। आपके इस रिस्पांस के लिए हम करते हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया एंड वी प्रॉमिस टू डिलीवर यू एंटरटेनमेंट ऑलवेज। सो मनीष, व्हाट इज द टाइम? आई डोंट नो आराधना, क्योंकि मैंने घड़ी नहीं पहनी है, बट क्यों? आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू टू गो एंड सेव द वर्ल्ड। Funny, yeah, thank you. मैं तो हमारा खेप जो है काफी amazing है. I know, right? Anyways, shall we just close the show? Okay, friends, आज के लिए बस इतना ही. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7, only on Zoom. Turn on.